गुड मॉर्निंग बच्चों, बेटे हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मनी या आ के बारे में पढ़ा था कि वो असेसबल होना चाहिए, क्राइसिस में होना चाहिए, ये नहीं कि वो जनरली अवेलेबल हो, रिकॉग्नेबिलिटी होनी चाहिए, असेसबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था, असेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, दिस वेर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड मनी विच वी हैव कम्प्लीटेड इन द प्रीवियस लेक्चर। टुडे हम लोग पढ़ेंगे बेटे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या, फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में जो आज हम लोगों को पढ़ना है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में अगर देखा जाए तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आपके बेटे आज के टाइम पे करेंसी एज वेल एज क्वाइंस आते हैं, ठीक है। तो एज यू नो दैट करेंसी विच जो करेंसी किसी भी कंट्री की ऑथराइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं कि होता है, या ऑथराइज्ड वैलेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। अगर अपने आप में देखा जाए तो करेंसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट लाइक इन एशियन टाइम्स गोल्ड के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स होते थे, तो गोल्ड एंड सिल्वर के अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। गोल्ड अपने आप में, जैसे गोल्ड के सिक्के जो छापे जाते थे, एंड एशियन टाइम पे वी आर गेटिंग द एग्जांपल ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड तो एक प्रीसियस मेटल्स है, उसकी उस कॉइन्स की अपनी खुद की वैल्यू है। अगर वो कॉइन्स के फॉर्म में नहीं है तो देन इट इज वैल्यूएबल, अप्रॉक्स सेम, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उसकी वैल्यू सेम होती है। बट इन करेंसी के रूप में देखा जाए तो जो आज की करेंसी है बेटे, अगर उसे गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर दे तो इट इज जस्ट यूजलेस थिंग्स, ये अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अपने आप में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इट हैज नो इट्स इम्पोर्टेंस इन इट्स ओन सेल्फ, ये तभी तक इम्पोर्टेंट है जब तक इसे गवर्नमेंट ऑथराइज कर रखी है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में देखा जाए बच्चों तो यही है कि जब तक गवर्नमेंट ने उसे, जो करेंसी फॉर्म ऑफ मनी होता है जिसे हम करेंसी कहते हैं, या नोट्स जो होती है, ये अगर 2000 रुपीज की नोट है तो इसकी वैल्यू तभी तक है टिल द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑथराइजिंग इट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप लोगों ने देखा था इसका एग्जाम्पल्स, डीमोनेटाइजेशन आप लोगों ने देखा था, नोटबंदी का इफेक्ट देखा कि अब वो जो 1000 रुपीज की नोट थी, या जो पुरानी क्या कहते हैं 1000 रुपीज की नोट थी, या 500 रुपीज की नोट थी, उसकी अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो अगर किसी के पास है भी तो वो सिर्फ दिखा ही सकता है कि हमारे पास ये नोट्स है, बट इट इज़ नॉट इन रन। गवर्नमेंट ने उसे मतलब ऑथराइजेशन से हटा दिया। डिमोनेटाइजेशन में आप लोगों ने देखा ही है कि लोगों ने भीड़ जमा करके पैसे जमा किया, क्योंकि उस पैसे की अब इम्पोर्टेंस खत्म हो रही थी। गवर्नमेंट ने कहा कि 1000 रुपीज एंड 500 रुपीज हैज नो इम्पोर्टेंट नाउ, अब इट हैज नॉट वैल्यू बिकॉज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अब ये बंद हो रही है, ये नोट बंद कर दी जा रही है। तो देखो वो उस नोट की अभी आप लोगों को याद ही होगा, अभी कुछ दिन पहले ही तो 3 साल पहले ही डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो मोस्ट ऑफ लोगों को याद होगा कि सरकार ने जैसे क्लोज कर दिया अब उस नोट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अगर किसी के पास 1000 रुपीज की पुरानी और 500 रुपीज की पुरानी नोट्स है तो उसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड या गवर्नमेंट हैज बैंड टू दैट नोट टू रन, ठीक है। तो इस तरीके से ये बच्चों क्या कहते हैं हमारा डिमोनेटाइजेशन। तो मतलब मेरे कहने का मतलब करेंसी तभी तक अपनी इंपॉर्टेंस रख रही है किसी कंट्री में जब तक उस कंट्री की गवर्नमेंट उसे ऑथराइज कर रही है। जैसे ही गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन खत्म हो जाएगा वैसे उस कंट्री में उसका कंट्री की उस नोट्स की कोई वैल्यूज नहीं होगी। अपने आप में नोट खुद वैल्यूएबल नहीं होती है, इट इज वैल्यूएबल बिकॉज इट्स वैल्यू हैज बीन प्रोवाइडेड, या उसकी वैल्यू फिक्स की गई है बाय द गवर्नमेंट दैट दिस पर्टिकुलर नोट हैज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इस वजह से वो अवेलेबल है एंड अपने आप में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर उसे रोक दिया जाए तो ये नहीं है कि कागज उसको, जैसे एशियन टाइम पे अगर आप सोने का सिक्का होता था, अगर उसको रोक दिया जाए तो भी वो सोना होता था और सोने की अपनी इंपॉर्टेंस होती थी, ये मेरे कहने का मतलब बच्चों। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। फिर मॉडर्न करेंसी के बारे में देखा जाए तो बेटा इश्यू करेंसी को कौन करता है, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग्स कि करेंसी को इश्यू कौन करता है। तो मैंने बताया था बेटा पिछले वीडियोज में भी मैंने बताया रखा था कि करेंसी को इश्यू करने का अधिकार, सिर्फ हमारे RBI को है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो भारत सरकार का बैंक होता है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये करेंसी को प्रिंट करने का, करेंसी को मतलब करेंसी इश्यू करने का अधिकार सिर्फ हमारे आरबीआई को है, मतलब ये मोनोपोली राइट है आरबीआई के पास। आरबीआई हैज मोनोपोली राइट टू इश्यू द करेंसी फ्रॉम 2 रुपीज से लेकर के 2000 रुपीज। एज यू नो दैट सबसे बड़ी डायमेंशन की नोट जो प्रेजेंट टाइम पे जो चली है, डायमेंशन मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू की नोट जो है 2000 रुपीज की नोट है। तो 2 रुपीज से लेकर के 2000 रुपीज तक की जितनी भी नोट इश्यू की जाती है, इन नोट को बेटे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इश्यू करता है, आरबीआई ही इश्यू करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसे भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही बेटे 2 रुपीज से लेकर के 2 रुपीज से लेकर के 2000 तक की नोट को हमारा आरबीआई ही इशू करता है, ठीक है। तो अदर नोट्स, केवल 1 रुपीज का नोट जो बेटा होता है उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी के थ्रू इशू किया जाता है। 1 रुपीज का नोट जो होता है, कॉइन्स की बात में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉइन, आई एम टॉकिंग अबाउट नोट। 1 रुपीज का नोट जो होता है दैट इज इशूड बाई द फाइनेंस डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ भारत सरकार। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उस पर वो साइन करते हैं। बाकी सारी नोट्स को बेटा जो इशू करता है वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के थ्रू से इशू किया जाता है, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, और वो प्रॉमिस करता है कि मैं जो भी नोट्स धारक को उसमें इतने रुपए अदा करने की प्रॉमिस करता हूँ या वचन देता हूँ, तो ऐसा करके उसमें ये लिखा होता है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है कि नोट्स छापने का, इश्यू करने का अधिकार सिर्फ मोनोपोली राइट के रूप में हमारे आरबीआई के पास है। नो अदर बैंक इज अलाउड टू इश्यू द नोट, ओनली आरबीआई इज अलाउड टू इश्यू द नोट फ्रॉम 2 रुपीज टू 2000 रुपीज तक की नोट्स को। बाकी मैंने बताया कि 1 रुपीज की जो नोट्स होती है उसे बेटे भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी के थ्रू इश्यू किया जाता है। उसमें भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी, भारत सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके थ्रू उसे साइन किया जाता है। तो ये बेटे मैंने बताया कि आप लोगों को नोट इशू करने का, आरबीआई कैसे नोट इशू करता है, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, ये अभी तुम्हारे लिए जरूरत नहीं, बस इतना आप समझ लो, इतने इसमें आपका क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों आते हैं, जो आरबीआई होता है बेटे वो बैंक्स ऑफ बैंक होता है, बैंकर्स एंड बैंक ऑफ द सुपरवाइजर होता है, सारी बैंकों का सुपरवाइजर होता है, बैंक्स ऑफ बैंक भी इसे कहते हैं। तो ये सुपरवाइजर होता है सारी बैंक, जो भी बैंक है बेटे, इस समय मुझे लगता है सारी बैंक को 13 बैंक में शायद कन्वर्ट कर दिया, डिजॉल्व कर दिया गया, कई बैंकों को मिला दिया गया, जैसे कई बैंकों को आपस में डिजॉल्व किया गया है। तो इस तरीके से शायद 30 या 20 बैंक पूरे भारत में इस समय बचे हुए हैं। तो ये सारी जो बैंक्स हैं बच्चों, ये बैंक्स वर्क ऑन द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गाइडलाइन पे ही ये वर्क करती हैं। इन्हें जो भी एक साल का डेटा होता है, जो भी इन्हें ऑडिट करवाना पड़ता है विद द आरबीआई के साथ, इन्हें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी रेट, इंटरेस्ट रेट में या ब्याज के रेट में, लोन के रेट में कोई भी चेंजेस करना है, तो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, या विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द आरबीआई दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग, एनी रेट या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन में ये कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आरबीआई ही बच्चों ऑथराइज्ड है, मतलब अलाउड करती है कि ये आप ये चेंजेस कर सकते हैं, या आप कितना लोन बढ़े, कितने आप प्रॉफिट में, एवरीथिंग शुड बी ऑडिटेड बाय द आरबीआई एवरी ईयर ऑफ द ऑल द बैंक्स, ठीक है। तो ये इसी वजह से आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भारत सरकार का बैंक या बैंक्स ऑफ बैंक कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। इसके बाद बच्चों डिपॉजिट विद बैंक्स, डिपॉजिट विद बैंक के बारे में अगर हम देखें, डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है बच्चों, विद बैंक, अगर बैंक में डिपॉजिट के बारे में देखें तो ये इज बेटे डबल प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर। अगर बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट विद बैंक करता है बेटा, तो वो डबल प्रॉफिटेबल है दैट पर्सन,
क्यों बच्चों? क्योंकि जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, एक तो पहली चीज उसके पास जो एक्स्ट्रा मनी है दैट बिकम द सिक्योर, वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, यू नो दैट दिस इज अ वेरी प्रॉब्लम। पैसे को सिक्योर रखना भी अपने आप में आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टुडे इन सिनेरियो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर द मनी। इफ यू हैव 10 लाख 20 लाख देन एनीवन कैन आल्सो अटैक ऑन यू। बेसिक मेरा ये पर्पज नहीं बताना, मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि बैंक में डिपॉजिट करने के प्रॉफिट क्या है। तो बैंक में पहला प्रॉफिट है बेटा, बैंक में अगर कोई भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है तो पहला प्रॉफिट है कि हमारा मनी जो होता है वो सिक्योर हो जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट कि हमें उसका इंटरेस्ट भी मिलता है, वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ दैट थिंग। तो इस वजह से बैंक में पैसा जमा करना दैट फॉर कस्टमर के लिए इट इज डबल प्रॉफिटेबल, दैट इट ही इज ऑल्सो सिक्योरिंग हिज मनी एज वेल एज ही इज ऑल्सो गेटिंग द इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट भी गेन कर रहे हैं बच्चों और अपना अपने मनी को सिक्योर भी कर रहे हैं। तो दीज आर द डबल प्रॉफिट फॉर द कस्टमर टू डिपॉजिट देयर मनी ऑन द बैंक। तो बच्चों इसके बाद फिर हम लोग आते हैं चेक। व्हाट इज चेक? दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज चेक? चेक क्या होता है? ये चेक पेमेंट्स क्या होता है? तो चेक बेटे बैंक के थ्रू बैंक को ही एक इशू किया गया ऑर्डर होता है। चेक इज द पेपर इंस्ट्रक्टिंग टू द बैंक दैट दिस स्पेसिफिक अमाउंट शुड बी पेमेंट शुड बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो चेक को इश्यू कौन करता है? चेक इज इश्यूड बाई द बैंक बट इट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द बैंक। वो बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन भी होता है। इट इज द इंस्ट्रक्टिंग टू द बैंक टू द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द टू द पर्सन Who on whose name check has been issued? ठीक है बच्चों? तो what is check? How we can we also define to check that check is issued by the bank. Bank ही check को issue करता है. लेकिन it become the order for the bank that this particular specific amount should be paid to this particular person on whom the bank to whom bank on whose name bank check has been issued. जिसके नाम पे. तो check is the instruction. Check is a paper issued by the bank. And it is an instruction for the bank that this particular amount should be paid for this particular person on whose name check has been issued. ठीक है बच्चों? तो ये एक चेक की प्रॉपर्टी होती है। तो चेक पेमेंट आज के टाइम पे बेटे वी आर सीइंग दैट चेक पेमेंट इज वेरी पॉपुलर पेमेंट बिकॉज इट इज अ सिक्योर मेथड ऑफ द पेमेंट। सिक्योर मेथड ऑफ पेमेंट होता है। एक तो आपको अगर किसी को चेक के पेमेंट के थ्रू पैसा दे रहे हो तो वो बंदा आपसे इनकार नहीं कर सकता कि आपने हमें पैसा नहीं दिया बिकॉज बाई चेक यू हैव ऑल्सो गिवेन, और उसका पूरा बैंक में देखा चुका है कि आपने इस नंबर की चेक से इस बंदे को इतने रुपीज आपने पेड किया है। तो दिस इज बैंक रिकॉर्ड। बैंक रिकॉर्ड में होता है। इस वजह से टुडे सिनेरियो में चेक पेमेंट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। तो बच्चों यहीं तक हम आज रखते हैं, छोटा वीडियो है। अभी हम एक वीडियो और आपको बना के देंगे, देन क्या कहते हैं आप लोगों का ये लेक्चर आज का कंप्लीट। ओके बच्चों, ओके।